हाँ जी, मोहम्मद इब्राहिम हसनैन जा रहा है मेरे साथ। पार्क में पानी कितना है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं जा रही हूँ घर की सफाई करने। आज मैं आपको घर दिखाती हूँ, अपना एक कमरा ही होगा मेरे ख्याल में, दूसरा कमरा कल मिलेगा हमें, क्योंकि जिनका जो रह रहे हैं वहाँ पे उन्होंने जो घर था उनको मिल गया है, तो वो कल शायद जाएँ। और यहाँ पानी देखते हैं, मैं जहाँ से मोहम्मद हसनैन और प्यास के साथ जाऊँगी, तबीयत मेरी नहीं थी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा पैदल चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा चल रही, जिसकी वजह से मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रही, सारी रात में दर्द में ही रही। तो अम्मी की तरफ जा रही हूँ, वहाँ से प्याज खोल लूँगी, फिर सफाई करके तो आ जाएंगे, क्योंकि आज जुम्मा है तो पता नहीं कोई रैली भी निकलनी है। और यहाँ पर धड़ाधड़ काम चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, जब पहले दिन घर देखने गए थे ना, तो मुझे लगा था कि घर नज़दीक है, तो लग भी रहा था नज़दीक है, तो कल जब मैं गई हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है कितना मिलो दूर घर है। मोहम्मद हसनैन जो मेरे साथ जा रहा है, कल मुझे इतनी बातें सुना रहा है, ये जगह भी मुझे आपने कर, तो क्या करूँ, जितनी मेरी हैसियत है मैंने तो उतनी चीज़ देखनी है, वो चाहे दूर हो या नज़दीक, मैंने तो अपनी हैसियत देखनी है। बच्चे इन बातों को नहीं समझते भी, ये कहते हैं जैसे ऐशो इशरत हमने की है उसी तरह के हमें मिले, तो हर चीज़ वैसी मैसर नहीं हो सकती। हमारा एक कमरा ये है, अभी इसको थोड़ा सा हम खुद ही फिर फिनिशिंग दे लेंगे चीज़ों को। चलिए, ये इन्होंने बनाया मगर मैंने इसको विजन के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना, इसको मैंने ना लॉन्ड्री के तौर पर यूज करूँगी, क्योंकि यहाँ देखना ये नलका भी है और पानी निकलने की जगह भी है, ठीक है ना। और ये वॉच क्या हुआ, अभी घर करना है, इनके सामान इनका पड़ा हुआ, मगर मैं झाड़ने के लिए फिर भी आ गई हूँ, तो है ना होने से होना तो बेहतर है ना, छत तो है ना छुपने के लिए। काफ़ी हद तक साफ हो गया है, नहीं भी नहीं लेकर जाना, दीवारें भी झाड़ दी हैं। अब वहाँ से नहीं जाऊँगी, अभी इस गेट से ही आज चले, नए रास्ते से चलते हैं इधर से। मैंने तो कर दिखाया, नए रास्ते से निकली और नेहरू पार्क के पास आ गई अपने जगह। आज मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, चेहरे से भी लग रहा होगा, क्योंकि आज मैंने सुबह से बहुत ज़्यादा कोई हाल नहीं, पापा कर दिया मैंने। हाँ जी, तो घर शिफ्टिंग की हो रही है पूरी तैयारी, क्योंकि कल सामान चला जाएगा हमारा। मैं आज रूम धोया आई थी मोहम्मद हसनैन के साथ जाके, मोहम्मद इब्राहिम को नहीं लेकर के, क्योंकि मोहम्मद हसनैन को मोहम्मद इब्राहिम ने संभाला हुआ था। कैसे कैसे उतरना है, जाओ बता दो। तो अब उसमें ये है कि तैयारी हो गई मेरी, और मुझे कल हर हाल में शिफ्ट होना है वहाँ पे, सामान मेरा फुल पैक है, बस किचन की जो हम रोज़मर्रा के सामान पैक करना वो है, अलमारियाँ भी खाली हो गई हैं, कैबिनेट्स के अंदर मैंने सारे ना बॉक्स वगैरह रख दिए कि जिधर से निकालेंगे उठाकर हम ले जाएंगे। और मेरे मेरे दो प्यारे प्यारे से बच्चों का ना तूफान है, कुरान शरीफ खत्म हो गया, तो वो अलहमदुलिल्लाह कल खत्म हो जाएगा, कह रहे थे माँ मिठाई मैंने का बेटा मिल गया, पैसों की शिफ्टिंग होनी है, तो उसमें
बच्चा आना है तो जहन इतना हुआ है कि कहाँ से मैं किस तरह से हम अरेंज करें, तो अल्लाह ताला मानेगा तो कोई रास्ता बना देगा। तो अब सुबह को करना है शिफ्टिंग का भी, मैंने आटा गूंदना है, रोटियां पकानी है, खाना दूंगी लोगों को, मेरा तो अपना दिल नहीं है। मैंने ना दोपहर को बैंगन हम बनाए थे तो वो मेरे थोड़े से पड़े, तो थोड़ी सी दाल माश की पड़ी है, वो खाएंगे। अब ये है कि खाना बनाने लगी हूँ, खाना बनाने तो कल सुबह इंशाल्लाह कह रहे थे कि मैं 2 बजे तक शायद आ जाऊँ शिफ्टिंग के लिए, तो थोड़ा सा ना दिमाग रिलैक्स हुआ। तो मैंने कल प्यास की भी छुट्टी करवाई, मैंने कहा तुम कल काम पे नहीं खड़े हो ना अपने, कल तुम्हारे साथ जरा ये काम करवा देना, फिर मेरा मजाक उड़ा देते हो, तुम गंदी उड़ा दो, गंदी उड़ा दो ना, मजा ना स्वाद ना, वो मतलब सब काम को बाद लगा दो, मामू को नहीं कोई लिफ्ट नहीं। चले जी आटा गूंद के रोटी पकाती हूं, मेरा आज ना ऐसे हो गया जैसे मेरा किसी ने दिया पर तो मैं किचन में। चलो चलो आहा आहा मामू को बाजो, ओहो किसका फोन है? प्यास। अच्छा जी उठाती हूँ, प्यास का फोन है, बात करूँ।